सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपको प्लस 24/7 में। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय पर ब्रेक डाउन वाला काम चल रहा है, लॉकडाउन नहीं, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन किस चीज़ का है? तो ना तो रिजल्ट आ रहे हैं जितने एग्जाम दिए गए हैं, और ना ही न्यू वैकेंसियाँ देखने को मिल रही। तो इस टाइम के सबसे बेस्ट रणनीति क्या हो सकता है? क्योंकि रणनीति बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी काम को करने के पहले उसका रणनीति होना चाहिए। और आज के काम के बाद अगले दिन का क्या रणनीति है वो तो पक्का ही आदमी का होना ही चाहिए, क्योंकि बिना रणनीति के आप कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। यदि आपके मन में पहले से कोई विजन है कि हमें ये करना है, तो डेफिनेटली आपका वो कार्य सक्सेस होगा। लेकिन यदि आपका कोई रणनीति नहीं है, तो उस कार्य में आपको बहुत दिक्कत आने वाले हैं। तो जैसे देखिए, फर्स्ट तो आपका वर्ग एक का अभी रिजल्ट, वर्ग दो का नोटिफिकेशन, वर्ग तीन में पद वृद्धि, और मध्य प्रदेश टेट, एमपी टेट जिसको कहा जाए, यानी प्री एग्जामिनेशन फॉर टेट, टीचर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन सब के लिए क्या रणनीति होना चाहिए? तो जैसे यदि आपका वर्ग एक का नंबर अच्छे से है, ठीक है, आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए? वेट तो करना ही चाहिए हर हाल में, साथ ही साथ आपको फिर भी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी बना के रखनी चाहिए अपनी, ठीक है। आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। वर्ग दो वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि आपका प्री निकला है, आपको कंफर्म है, तो आपको मेंस का अच्छे से तैयारी करना चाहिए। रिजल्ट आएगी ही आएगी, अब डिमोटिवेट होकर के भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कि आपने डिमोटिवेट हो गया कि नहीं यार रिजल्ट आ नहीं रही, पता नहीं क्या होगा, तो फिलहाल जो होने वाला है तो भविष्य के गर्त में है, उसको ना कोई नहीं जानता। यहां तक कि ईएसबी और सरकार के बीच में ही बातें होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिलहाल वो आपके बस की बात नहीं है, जो आपके बस की बात नहीं है उसमें आप क्या कर सकते हैं? आंदोलन। तो यदि आप भाग लेते हैं तो अच्छी बात है, आंदोलन का जब चांस मिले उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आप वर्ग दो का कंसल्टेंसी के साथ तैयारी कर सकते हैं। वर्ग तीन वाले कुछ बंधु हैं जो जा करके शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी करते हैं, तो वो भी एक अच्छा प्रयास है। फिलहाल जो मैं बात ये इन लोगों को भी करना चाहूँगा, जो वर्ग एक दो में प्री एग्जाम में यदि किसी कारणवश आपका रह गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप यदि ये मान के चलेंगे कि अब 5 वर्ष बाद ही प्री एग्जाम होगा, तो शायद आप नेक्स्ट प्री के लिए भी छट जाएंगे। तो ज़्यादा बेटर है कि आप ये मान के चलें कि आपका इसी वर्ष प्री होना है, ठीक है, उस हिसाब से आप तैयारी करिए, क्योंकि जैसे ही चांस मिले तो आपको चांस टारगेट अपना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, चांस खोना नहीं है। तो इसलिए आपको तैयारी लगातार करते रहना चाहिए। फिर मेंस एग्जाम के लिए क्या करना है? तो मेंस एग्जाम के लिए जैसे आपको अभी आप एक काम कर सकते हैं, जो वर्ग एक का प्री हुआ और वर्ग एक का मेंस हुआ, उसमें देखिए आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है। जो सिलेबस है सेम एज इट इज सिलेबस होने वाला है वर्ग दो का भी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको सिलेबस के अनुसार वर्ग एक दो दोनों की तैयारी उसी रिदम से करनी है, ठीक है। यदि मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों को जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वर्ग एक और दो का दोनों का मिक्स करके आपको सिलेबस की पढ़ाई करनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए उसमें आपको क्लियर करनी है, ठीक है। नोटिफिकेशन आने से पहले आपका संपूर्ण तैयारी कंप्लीट रहेगा, नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है? रिवाइज करना है और अच्छे से अभ्यास करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप जाएं तो एग्जाम में आपको होने का 100% चांस हो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए। और साथ में यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए एमपी टेट से रिलेटेड, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रहा हूँ, वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमको मोटिवेट करने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर